13 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने जैसे आहत होकर बच्चे द्वारा फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त करने के मामले में कलयुगी बाबा को पुलिस ने चंद घंटों में किया गिरफ्तार। भेजा जेल होडल डीएसपी सज्जन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस राजेश दुग्गल आईपीएस पुलिस अधीक्षक पलवल के कुशल मार्गदर्शन में अपराधियों पर अंकुश लगा रही है। इसी कड़ी में एक नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने जिससे आहत होकर बच्चे द्वारा आत्महत्या करने के मामले में एक ढोंगी कलयुगी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि गत दिनांक 1 अक्टूबर को मृतक के पिता ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव में स्थित मंदिर पर उसका 13 वर्षीय नाबालिग लड़का एवं उसके परिवार के अन्य 3 बच्चे पिछले 3-4 दिन से मंदिर जा रहे थे, जहां रहने वाले बाबा मुकेश द्वारा गलत हरकत किए जाने से उनका बच्चा आहत था, इसलिए उसने दिनांक 30 सितंबर को आत्महत्या कर ली। पिता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित ही बाबा के खिलाफ कुकर्म SC ST एक्ट पॉक्सो एक्ट आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के संबंधित धाराओं सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। विवेचना के द्वारा नाबालिग बच्चों के नियम अनुसार चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सम्मुख बयान कराई गई एवं आरोपी कलयुगी बाबा को उक्त मंदिर के पास से चंद घंटों में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आरोपी की पहचान 48 वर्षीय मुकेश उर्फ बाबा मोहनदास पुत्र सुरेश चंद्र निवासी जतिपुरा थाना गोवर्धन जिला मथुरा यूपी रूप में हुई। आरोपी को आज पेश अदालत कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। मामले पर संज्ञान लेते हुए SP महोदय पलवल राजेश दुग्गल IPS ने कहा कि आमजन को आज के युग में इन ठगी बाबाओं पर निगरानी रख पूरी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वे समाज में रहकर इस प्रकार के कुकृत्य को फिर से अंजाम न दे सके। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की असामाजिक गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। कैसे हो गया? मैं शादी वाला सर है।
पापा तो अब छुटवाओ, बुआजी को कह के और बाहर के चली गई। अब बुआजी को तो ना ही जटू लड़का बह के कारण ऊपर तो कितने बजे वाक्य था? ये 6:30 बजे शाम को 6:30 बजे तो मंदिर तो कितने बजे गए थे?